अगर आप मेरे घर पे आते हो, मेरे धनबाद में आते हो, मेरे गांव पे आते हो, तो मैं आपके वीडियो में नहीं आऊंगा। अब फिर से सब घर के बाहर आना शुरू कर दिया है, ठीक है। मैं फाइनल रिक्वेस्ट है, ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है ये वीडियो। यारो, इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद, ये मनोज देखे अंदर घमंड आ गया है। आखिर क्यों ये अपने सब्सक्राइबर के साथ वीडियो बनाना नहीं चाहता? और आज की इस वीडियो में इसने साफ साफ बता दिया कि मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मेरे धनबाद में आते हो, मेरे गांव पे आते हो, तो मैं आपके वीडियो में नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, इन्होंने इस वीडियो में बताया कि मैं जहां पहले गांव में रहता था, तो वहां पर भी मेरे साथ काफी सारे लोग मिलने आते थे डेली, और अब ये अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। और यही सेम प्रॉब्लम इनके न्यू घर में भी है, क्योंकि भाई जैसे ही ये सुबह को उठते हैं या कहीं बाहर जाना होता है, तो भाई इनके घर के सामने भीड़ लग जाती है, और उसी भीड़ के चलते ये परेशान हो जाते हैं। तो क्या बताया है इन्होंने इस वीडियो में, आप इनके मुंह से खुद ही सुन लो। दोस्तों, अभी मैं बता दूं, 4 महीने से मैं नए घर पे रहता हूं, धनबाद में रहता हूं, अब यहां भी सेम सीन फिर से शुरू हो गया। अब फिर से सब घर के बाहर आना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि घर के बाहर आता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कोई आता है तो बोलता है मनोज भाई मैं 500 किलोमीटर आया हूं, मैं 700 किलोमीटर आया हूं, कोई बोलता है मैं आपसे मिलने आया हूं, तो आप एक चीज बताओ, अगर आप मेरे फैन हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मुझे इतना दिल से चाहते हो, तो आप जो मिलने आते हो, तो मिलने का मतलब क्या होता है? वीडियो बनाना। ये मुझे समझ नहीं आता, ये क्या सेंस है? अगर आपको मिलने का मतलब है आपको मेरे साथ वीडियो बनाना, ये कैसा मिलना है भाई? अगर आपको मिलना है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, फैन हो, आइए मिलिए, मेरे से बातचीत कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट बात कर लीजिए, कुछ जानना है जान लीजिए, कुछ सीखना है मैं सिखा दूंगा, आपको फोटो लेना है फोटो ले लीजिए, लेकिन वीडियो क्यों बनाना? आप एक चीज बताओ, मतलब ये है कि वीडियो बनाने का मकसद आपका मेन रहता है, आपको ना कोई मिलना है, ना मेरा फैन होना, मेरा सब्सक्राइबर, आप मेरा फैन होना, मेरा सब्सक्राइबर। वाह मनोज भाई वाह, क्या बात कही है तुमने। जिन लोगों ने तुम्हें 6 मिलियन तक पहुंचाया, उन्हें आप ना मेरा फैन ना मेरा सब्सक्राइबर बोल रहे हो, उन्हें अपना फैन सब्सक्राइबर मानने से इनकार कर रहे हो। मैं मानता हूं मनोज भाई आपको प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि यार जो कंटेंट क्रिएटर होता है सिर्फ उसे ही पता होता है कि भाई हमें कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन भाई आपको ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे अपनी वीडियो में, जिससे तुम्हारी ऑडियंस को बुरा ना लगे। खैर आगे सुनिए क्या बोला है। क्योंकि अगर आप मेरे फैन और सब्सक्राइबर रहते तो मुझे परेशानी नहीं करते, क्योंकि आप जान रहे हो सबके पर्सनल लाइफ में अपना सबका शेड्यूल बना है, सबका अपना काम, तो मिलने का मतलब वीडियो बनाना नहीं होता है। 2 दिन पहले एक बंदा आया था जो कि इधर का ही है, नंबर तरफ का, वो वीडियो बनाकर डाला है कि मनोज घमंडी हो गया, मिला नहीं। भाई एक वीडियो और अपलोड करो, तुम चैनल पर डालो कि मिले नहीं थे कि वीडियो नहीं बनाए थे तुम्हारे साथ मिले नहीं है कि वीडियो नहीं बनाए, मिले हैं आपसे लेकिन वीडियो में नहीं आए हैं, तो ये चीज बोलो ना कि मिला, बात भी किया लेकिन वीडियो में नहीं आया, तो वीडियो बनाने का मकसद आप आए थे या मिलने आए थे? चीज बताओ, ये वीडियो बनाने का और मिलने का क्या ये बड़ा सेंस मुझे नहीं पता चलता। तो मतलब ये दोस्तों, मैं फाइनल रिक्वेस्ट, ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है ये वीडियो, इसलिए बना रहा हूं कि आज के बाद ये वीडियो अपलोड होने के बाद अभी जो भी आएगा मेरे घर के बारे में, चाहे वो कोई भी रहे, वीडियो में मैं नहीं आऊंगा, साफ मैं बता देता हूं। नहीं आने का रीजन मैंने ऑलरेडी पिछले साल बोला था, थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं। बहुत कोई आता है, मिल के जाता है, अब वो मेरे साथ वीडियो बनाकर जब अपने चैनल पर अपलोड करता है, तो मान लीजिए उस वीडियो पर 10,000 लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, अब 10,000 लोग कौन देखेगा जो मुझे पहचानता है, क्योंकि मैं हूं उसके वीडियो में, मैं उसका थंबनेल में, अब 10,000 लोग देख करके क्या होता पता है, 100 लोग और आ जाता है उसके अगले दिन कि चलो वहां मनोज भाई के पास जाएंगे और वहां वीडियो बनाएंगे उसके साथ, तो वीडियो वायरल हो जाएगा, तो फिर क्या होता है, भीड़ लगना शुरू हो जाता है। आप तो खुशी खुशी आप मेरे साथ वीडियो बनाकर चले जाते हो, उसके बाद वाले दिन से मैं परेशान रहता हूं, ठीक है। यहां पर मिलने का किसी को कोई मतलब नहीं रहता, ना किसी को कुछ जानना है, ना सीखना, ना किसी को बात करने आता है, ना फोटो खिंचाने आता है, सिर्फ वीडियो बनाने आता है, ठीक है। यहां पर मिलने का किसी को कोई मतलब नहीं रहता, ना किसी को कुछ जानना है, ना सीखना, ना किसी को बात करने आता है, ना फोटो खिंचाने आता है, सिर्फ वीडियो बनाने आता है। वाह मनोज भाई वाह, क्या मनोज, देखो इसी तरह से बात करनी चाहिए अपनी ऑडियंस से। फिर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना।